गुड मॉर्निंग, मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग आज कंसेप्ट ऑफ एवरेज पढ़ने के बाद मेथड ऑफ एवरेज पढ़ रहे हैं, मतलब एवरेज यानी कि औसत निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हम लोग पिछला वीडियो में दो तरीका हमने बताया था औसत निकालने का, आज एक क्वेश्चन लेकर जिसे हम साबित कर रहे हैं कि एवरेज के बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एलडीसी 19/5/2013 में, फिर सीजीएल 27 अप्रैल 2014 को, और यही क्वेश्चन पूछा गया है बैंक पीओ 1989 और आरआरबी 2009 में। तो जो ये दोनों बैंक पीओ 1989 और आरआरबी 2009 में पूछा गया था, तो इस दरमियान में ये चौथा ऑप्शन जो है A+4 ये वाला ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं दिया था, मतलब चार ही ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं ये वाला भी था। और ये दोनों जो सीजीएल और एलडीसी में जो दोनों क्वेश्चन पूछा गया था इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं था, मतलब ये वाला ऑप्शन था और ये वाला ऑप्शन नहीं था, इस प्रकार आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। तो हमने ये चारों एग्जाम में जो एक ही क्वेश्चन पूछा गया इसके सहारे हम आपको समझाते हैं। पिछला वीडियो में हम बताए थे उससे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि औसत निकालने के लिए हमने आपको क्या तरीका बताया था। हमने ये बताया था कि जब कर्मागत पदों का अंतर समान दिया रहे, यानी कि जैसे हम लेते हैं यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, मतलब इस प्रकार से कोई भी संख्या रहे, या 1, 3, 5, 7, 9, या 5, 10, 15, 20, 25, मतलब इस प्रकार से संख्या रहे, या 7, 14, 21, 28, 35, मतलब जब भी इस प्रकार की संख्या रहे, या दो ही संख्या रह सकती है जैसे 8, 16, 24, मतलब जब भी आपके ये अंतराल कितना का है, 8-8 का अंतराल है, इस प्रकार से आगे भी संख्या दी रह सकती है। तो जब भी यहाँ पर कितना कितना का अंतराल है, 7-7 का अंतराल है, आप देख सकते हैं इसमें 5-5 का अंतराल आपको दिख रहा होगा, मतलब ये सभी संख्याओं का औसत अगर जो आपको निकालना रहे तो क्या करते हैं, यहाँ 2-2 का गैपिंग सभी में है, मतलब 2-2 का अंतराल है, यहाँ कितना भी विषम संख्या है इसमें भी 2-2 का गैपिंग है। तो इस स्थिति वाले प्रश्न में औसत निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि औसत बराबर क्या होता है, ऐसा कंडीशन में औसत बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा दो। एक तो आप जानते हैं कि सभी को जोड़ेंगे और बटा 1, 2, 3, 4, 5 है तो बटा 5 करेंगे योगफल बटा संख्या से, लेकिन उससे भी शॉर्ट होता है जब कर्मागत पदों का अंतर समान है, जैसे यहाँ 2-2 का गैपिंग पर है, यहाँ 5-5 का गैपिंग पर है, यहाँ 7-7 का गैपिंग पर है, यहाँ 8-8 के गैपिंग पर है, मतलब अंतराल समान रहना चाहिए कर्मागत पदों का, तो औसत बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 होता है। तो इसका भी यूज इस क्वेश्चन में करेंगे तभी आंसर नहीं आता है। तो हमने आपको बताया था जैसे इसका कितना आएगा आंसर, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 करेंगे, मतलब 2 प्लस 10 बटा 2, 2 प्लस 10 बटा 2, तो 10 2 12 बटा 2, यानी कि कितना चलाया 6, इसका औसत 6 चलाया। आपको हमने ऐसे भी बताया था औसत निकालने के लिए कि इधर से 2 अंक छाटेंगे, इधर से 2 अंक छाटेंगे, मतलब बीच वाला जो होगा वही औसत होता है, तो औसत कितना हो गया 6। ये तरीका भी आपको बताया था कब, जब कर्मागत पदों का अंतर समान हो तभी ये भी नियम लगाते हैं, मतलब ये दूसरा तरीका हो गया, ये पहला तरीका हो गया, मतलब ये मेथड फर्स्ट हो गया और ये मेथड सेकेंड हो गया। ये दोनों तरीका हमने आपको कंसेप्ट ऑफ एवरेज पिछला वाला वीडियो में बताया था, इसमें भी देख सकते हैं इसका औसत कितना होगा। देखिए इधर से 2 अंक छाटे, इधर से 2 अंक छाटे, तो आपका औसत कितना हो जाएगा 5। या आप ऐसे भी बना सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब प्रथम पद 1 और लास्ट मतलब अंतिम पद 9 बटा 2, तो 9 ये कितना हो गया 10 बटा 2, यानी कि 5। इसमें भी आप देख सकते हैं इधर से 2 अंक छाटे इधर से, तो औसत कितना हो जाएगा 15, या 25, 5, 30 बटा 2, तभी 15 हो जाएगा। इसमें देखिए इधर से 2 अंक छाटे इधर से 2 अंक छाटे, तो बीच में कौन बचा 21 आपका औसत हो जाएगा, या 35 और 7 42 होगा, 42 बटा 2, 21 हो गया। यहाँ 3 संख्या है 8, 16, 24, इसका औसत कितना होगा, तो इधर से 1 अंक छाटे इधर से 1 अंक छाटे, तो बीच में बचा 16, 16 ही आपका औसत हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 8 प्लस 16 बटा 2, तो 16, 8, 24 बटा 16, 8 कितना हो जाएगा, फिर से देखिए 8, 16, 24 है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, तो कितना होगा लास्ट टर्म कितना है 24 है, तो फर्स्ट टर्म 8 और लास्ट टर्म 24 बटा 2, तो 24 और 8 कितना होगा 32 बटा 2, 32 बटा 2 मतलब कितना हो गया 16। तो हमने आपको बताया कि जब भी कर्मागत पदों का अंतर समान है तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ से हमने बराबर बराबर अंक को छाटते हैं और बीच वाला जो संख्या होता है वही औसत होता है।
जब यहाँ तो पांच संख्या था, तीन संख्या था या सात संख्या, तो बीच वाला निकल सकता है। लेकिन अगर तो चार ही संख्या रहेगा, जैसे यहाँ पर दो है, चार है, छह है, आठ है, तो इसमें तो इस तरफ से दो अंक छाटे, इस तरफ से दो अंक छाटे, तो इसमें बीच कोई संख्या नहीं हुआ, तो इसमें बीच वाला संख्या कौन होगा? चार और छह के बीच वाला संख्या बीच में होगा। मतलब ये देखिए, दो दो का गैपिंग पर है, तो एक के गैपिंग पर कौन होगा? चार और छह के बीच में कौन आता है? पांच। यानी कि आपका औसत कितना हो जाएगा? पांच। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि चार और छह के बीच वाली संख्या कौन है, तो चार प्लस छह बटा दो, यानी कि दस बटा दो, तो कितना हो गया? पांच। या आप किसी में भी देख सकते हैं, जैसे सात, चौदह, इक्कीस, अट्ठाईस, ये हमने चार संख्या ले लिया, उसी प्रकार से आठ संख्या भी रह सकता है। तो सम बन रहेगा तो कैसे बना लेंगे, जो इधर से दो अंक छाटे, इधर से दो अंक छाटे, तो बीच में चौदह और इक्कीस के बीच वाली संख्या कौन है? तो चौदह प्लस इक्कीस बटा दो करेंगे बस, मतलब इक्कीस चौदह कितना हो जाएगा? पैंतीस बटा दो, पैंतीस बटा दो हो गया, मतलब कितना हो जाएगा? साढ़े सत्रह दूनी चौतीस, मतलब साढ़े सत्रह आपका औसत हो जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं जब आपके कर्मागत पदों का अंतर समान है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। आप देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्या दिया है? मेथड फर्स्ट, इसका पहले ध्यान से समझिए। मेथड फर्स्ट, औसत बराबर आप क्या जानते हैं? औसत बराबर जानते हैं योगफल बटा संख्या, जितना भी दिया रहता है परीक्षण सभी का योगफल करते हैं और उसकी संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं। तो कितना दिया है? ए बी सी डी ई, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, एक दो तीन चार पांच है, तो बटा पांच करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कोई भी ऑप्शन ऐसा आपका नहीं है। तो पहला जो मेथड है ये मेरा सक्सेस नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से देखते हैं मेथड सेकेंड, ये एम से हम एम फॉर मेथड लिख रहे हैं। मेथड सेकेंड देखिए, मेथड सेकेंड आपको ये हमने बताया ए बी सी डी ई, ये क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है इसका मतलब क्या समझिए, कि सभी का गैपिंग दो दो का गैपिंग होगा विषम संख्या में। जैसे विषम संख्या क्या होता है? एक तीन पांच सात नौ, तो दो दो का गैपिंग पर होता है विषम संख्या, तो ये दो दो का गैपिंग पर है। तो इधर से हमने दो अंक छाटे, इधर से दो अंक, दो लेटर को हमने डिवाइड किया, मतलब इधर से दो अंक को छाटे, इधर से दो अंक को, तो बीच में कौन बचा? सी। तो आपका औसत कितना हो गया? औसत बराबर हो गया आंसर में सी, लेकिन सी भी आपके ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया है। तो दूसरा ऑप्शन भी मेरा, मतलब सी तो आंसर ऐसे सही है, लेकिन कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अब देखते हैं इसका मेथड थर्ड। मेथड थर्ड आप जानते होंगे, जो हमने यहाँ पर बता रहे हैं कि जब कर्मागत पदों का अंतर समान होता है तो आप ऐसे बनाते हैं, ये वाला तरीका, औसत बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा दो। मतलब औसत बराबर, जब कर्मागत पदों का अंतर समान होता है तो औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा क्या करते हैं? दो। तो प्रथम पद कितना है? ए। अंतिम पद कितना है? ई बटा दो, मतलब ए प्लस ई बटा दो, ये भी आपके ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो हमने तीन तरीका बताया, तीनों तरीका में से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं दिया गया, देखिए कैसा एग्जाम में पूछा था। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसका मेथड फोर। मेथड फोर ध्यान से देखिए, मेथड फोर को एक समान कर बनाते हैं या जैसे भी आप बना सकते हैं, इसे आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इसका मेथड फोर, मेथड फोर को कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना है। मतलब इस क्वेश्चन का चौथा तरीका, अभी तक कोई भी ऑप्शन मैच नहीं किया है और प्रश्न क्या दिया है? ए बी सी डी ई, क्या है? विषम संख्या दिया है। विषम संख्या दिया है तो ए को हमने अगर जो x माना, ये तो आपको पता है कि दो दो के अंतराल पर है, यदि ए को x माना तो ये कितना होगा? इससे दो ज्यादा होगा, जैसे एक तीन पांच सात नौ, इस प्रकार होता है, मतलब दो दो आगे बढ़ते जाता है। तो इससे x माना तो ये कितना होगा? x प्लस दो, फिर इससे ये दो ज्यादा होगा, मतलब x प्लस चार, फिर ये अगला इससे दो ज्यादा होगा, मतलब x प्लस छह, और फिर ये होगा जो इससे दो ज्यादा होगा, मतलब x प्लस आठ। इस प्रकार से ये हमने पांच संख्याएं को एज्यूम किया। अब देखिए आप जानते हैं औसत बराबर क्या, जो बेसिक फॉर्मूला होता है योगफल बटा संख्या, औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, इसका यूज करके हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सभी को जोड़ेंगे, मतलब x पहली संख्या है, दूसरी संख्या x प्लस टू, तीसरी संख्या है x प्लस फोर, चौथी संख्या है x प्लस सिक्स, और पांचवी संख्या है x प्लस एट। इसको हमने डिवाइड किया एक दो तीन चार पांच है बटा पांच। अब देखिए एक एक्स दो एक्स तीन एक्स चार एक्स पांच एक्स, तो कितना हो गया ऊपर में? पांच एक्स प्लस, यहाँ तो कुछ नहीं अंक है, यहाँ दो है, दो चार छह, छह छह बारह आठ, बीस हो गया, पांच एक्स प्लस बीस बटा पांच। ऊपर से हम पांच कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा?
एक्स प्लस चार बटा पांच, और पांच से पांच कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका आंसर कितना चला आया, एक्स प्लस चार, एक्स प्लस चार ये आपका आंसर चला आया। तो एक्स हमने किसको माना था, ए को एक्स माना है, देखिए ध्यान से, ए को हमने एक्स माना, ए बराबर एक्स माना हमने, मतलब एक्स के जगह पर ए हम रख सकते हैं, तो एक्स के जगह पर ए हमने रख दिया, मतलब ए प्लस फोर आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है फोर। तो ये जो पीओ 1989 और आरआरबी 2009 में पूछा था, तो इसमें ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं गया था, मतलब ये ऑप्शन नंबर चार में था, नन ऑफ दी, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जब ये दोनों एग्जाम पीओ 1989 आरआरबी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये चार ही ऑप्शन था, तो इसमें आंसर कितना हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। अगर जो अब इसे हम मिटा देते हैं, अगर जो सीजीएल 27 अप्रैल 2014 या 19 मई 2013 को जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें एक ऑप्शन और दिया गया था, ये यहां हमने लिखा ऑप्शन चार दे देते हैं, ऑप्शन चार में चार ऑप्शन दिया था, अभी क्या था, ए प्लस फोर, मतलब ये वाला ऑप्शन दिया था, नन ऑफ दीज नहीं था, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए प्लस फोर, जब ये दिया है तो ये आंसर हो जाएगा, अगर तो ये नहीं दिया था, नन ऑफ दीज दिया था ये दोनों एग्जाम में, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन को हमने आपको बताया कि ये मेथड ऑफ एवरेज जो हमने ये वीडियो का टाइटल दिया है, तो उसके एक क्वेश्चन के सहारे हमने आपको चार तरीका से बताया कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एलडीसी मतलब सीएचएसएल 21 मार्च 2018 को पूछा गया था, जो क्वेश्चन लिखे हैं दो संख्याओं का औसत 10 है और उनका गुणनफल 96 है, तो दोनों संख्याएं बताइए, ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन 3 32, दूसरा ऑप्शन 12 8, तीसरा ऑप्शन 1 96, चौथा ऑप्शन 24 4। तो आप जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या, और यहाँ औसत बताया कि लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब तिरछे तिरछे गुना करेंगे, तो योगफल गुना एक, योगफल बराबर औसत गुना संख्या, मतलब आपको ध्यान रखना है पहला फॉर्मूला कि औसत बराबर योगफल बटा संख्या जो आप जानते हैं, और ये भी तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो योगफल बराबर क्या होगा, औसत गुना संख्या। जैसे तीन संख्याओं का औसत दिया है 20, तो उसका योगफल कितना होगा, 20 दिया 60, पांच संख्याओं का औसत दिया है 70, तो उसका योगफल कितना होगा, 70 गुना 5, मतलब 350। उसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड, ऐसे सेकेंड क्वेश्चन को आपको बाई ऑप्शन बनाना है, जब भी आपके प्रश्न में गुणनफल दिया रहे, तो इस प्रकार के प्रश्न को गुणनफल और औसत दिया रहे, तो ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन बनाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सोल्यूशन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, जो दो संख्याओं का औसत 10 है तो दोनों का योगफल कितना होगा, 10 दुनी 20, तो सबसे पहले दो संख्याओं का औसत 10 है तो उसका योगफल 20 होना चाहिए, और देखिए क्या दिया है, गुणनफल 96 है, तो ऑप्शन दिया है तो सभी का गुणनफल 3 गुना 32 96 हो रहा है, 12 गुना 8 96 हो रहा है, 1 गुना 96 96 हो रहा है, 24 चौक 96, मतलब गुणनफल तो सभी का 96 है, गुणनफल तो सभी का 96 हो रहा है, ये ठीक है, लेकिन योगफल कितना होना चाहिए, औसत दिया है दो संख्याओं का औसत 10 है तो दोनों संख्या का योगफल कितना होगा, औसत बराबर आपको बताया है योगफल बराबर औसत गुना संख्या, तो दो संख्याओं का औसत 10 है तो दोनों संख्या का योगफल क्या होगा, 10 गुना 2, मतलब 20। तो देखते हैं कौन ऐसी दो संख्या है जिसका योगफल 20 है, तो इसका योगफल कितना है, 3 और 32 का योगफल 35 होगा, तो ये वाला संख्या नहीं होगा, 12 और 8 का योगफल 20 होगा, ये वाला संख्या हो सकता है, 1 और 96 का योगफल 97 होगा, ये भी नहीं होगा, 24 और 4 का योगफल कितना होगा 28, मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो संख्याएं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड तो ये आपको डायरेक्ट बन ही गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है दो संख्याओं का औसत m है तो दोनों संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, जैसे दोनों संख्या हम लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्या का योगफल कितना दिया है, पहली प्लस दूसरी बराबर कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको बताया दो संख्याओं का औसत 10 है तो उसका योगफल कितना होगा, 10 दुनी 20, उसी प्रकार से देखिए ध्यान से क्या दिया है, दो संख्याओं का औसत m है, उनमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या बताना है, तो दो संख्याओं का औसत m है, जैसे पिछला क्वेश्चन में था दो संख्याओं का औसत 10 है तो दोनों संख्या का योगफल 10 गुना 2, यहाँ पर दोनों संख्या का योगफल कितना होगा, m गुना 2, 10 के जगह पर m दिया है तो m गुना 2, मतलब 2m हो जाएगा, उनमें से एक संख्या n है, मान लीजिए कि पहली संख्या
एन है तो दूसरी संख्या कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 2m माइनस एन, प्लस एन इस तरफ जाएगा तो माइनस एन, यानी कि दूसरी संख्या आपका आंसर हो जाएगा 2m माइनस एन, ऑप्शन नंबर 4। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है, ये पूछा गया यूजीसी 1994 में, तीन संख्याओं का औसत 15 है, तो आपको बताया है कि औसत बराबर क्या होता है योगफल बटा संख्या, और योगफल बराबर औसत गुना संख्या, तो तीन संख्याओं का औसत 15 है तो उसका योगफल कितना होगा, तीनों संख्या का योगफल कितना हो जाएगा 15 गुना 3 मतलब क्या हो जाएगा 45। आपको बताया है फॉर्मूला योगफल बराबर औसत गुना संख्या, इसके आधार पर तो तीन संख्याओं का औसत 15 है तो तीनों संख्या का योगफल 15 × 45 हो जाएगा, उनमें से दो संख्याएं दिया है 7 और 28, तो तीसरी संख्या बताना है, मतलब पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी, इस प्रकार तीनों संख्याओं का योगफल दिया है 45, दो संख्याएं दिया है 7 और 28, मतलब पहली संख्या 7 ले ली है, दूसरी संख्या 28 ले ली है, और तीसरी संख्या में निकालना है, तो 28 और 7 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, मतलब 35 प्लस तीसरी संख्या बराबर 45, तो तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 45 माइनस 35 मतलब 10। इसे हम मौखिक भी कर सकते हैं इस प्रकार से कि तीन संख्याओं का औसत 15 है तो उसका योगफल 45 हो जाएगा, तीनों संख्या का योगफल 45, उनमें से दो संख्या 7 और 28 दिया है, मतलब 28 7 35, तो तीसरी संख्या कितना होना चाहिए, तीनों को जोड़कर 45 है और दो संख्या का योगफल 35 है, तो तीसरी संख्या 10 होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन एनडीए 1994 का है, 11 23 तथा x मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीन संख्याओं का औसत 40 है तो ये तीनों का योगफल कितना हो जाएगा 40 × 3 मतलब 11 + 23 + x, ये तीनों संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, तीन संख्याओं का औसत 40 है तो ये तीनों का योगफल कितना हो जाएगा 40 × 3 मतलब 23 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 11 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, तो 34 + x बराबर कितना 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 − 34, 120 में से 34 घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 3 गया 8, मतलब 86 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मतलब हमने ये आपका बेस पॉइंट दिया है, इसे ही आपको ध्यान रखना है कि योगफल बराबर औसत गुना संख्या, जैसे दो संख्याओं का औसत 10 है तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 10 × 2 यानी 20। अगला क्वेश्चन में था दो संख्याओं का औसत m है तो उसका योगफल कितना हो जाएगा m × 2, फिर था तीन संख्याओं का औसत 15 है तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 15 × 3, उसी प्रकार से लास्ट ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार था 11 23 x का औसत 40 है तो इसका योगफल मतलब 11 + 23 + x कितना होगा 40 × 3 मतलब योगफल बराबर औसत गुना संख्या, इस फॉर्मूला के आधार पर हमने ये सारे प्रश्न को बनाया। अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें नए प्रकार के प्रश्न करते हैं।